नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बहुजन समाज पार्टी का प्रचार प्रसार शुरू आज से। आज जो है हमने सुबह बाबा साहेब की प्रतिमा पर जाकर माल्यार्पण किया और अपना चुनाव प्रचार आरंभ किया। हमने बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया और हमारे जो पुराने बड़े कार्यकर्ता सीनियर लोग जो है उन सबका आशीर्वाद लिया और चुनाव प्रचार प्रारंभ किया है। तो अब हम धुआंधार तरीके से एकजुट होकर मजबूती से पूरे दक्षिण पश्चिम विधानसभा में अच्छा प्रचार कर रहे हैं। क्या क्या लग रहा है आपको अभी गैर क्षेत्र में, तो कैसा समर्थन मिल रहा है आपको? लोगों का रुझान क्या है, लोगों ने भाजपा कांग्रेस की सरकारों को और उनको सालों से देखा है, तो इस बार वो लोग बदलाव चाहते हैं, तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी और हमारी पार्टी के प्रति क्षेत्र में लोगों का रुझान इस ओर है बहुजन समाज पार्टी की तरफ कि बहुजन समाज पार्टी का विधायक बनना चाहिए और सरकार बननी चाहिए। आपने क्या अपील की मतदाताओं से? मैं मतदाताओं से यही अपील करता हूँ कि वो जो है सही व्यक्ति को चुने और ईमानदार व्यक्तित्व को चुने और भ्रष्टाचार से मुक्ति मिले उनको और अच्छी शासन प्रशासन और सुशासन की सरकार आ सके। अभी जहां दूसरी पार्टियों का भी पता शुरू भी हुआ है, उस क्रम में आपने अपना जीत दर्ज करा दी है, पहले स्टार्टिंग आपका हो गया है, क्या लगता है आपको? ये क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद है और उनका हमारे प्रति हमारी पार्टी के प्रति विश्वास है कि बहुजन समाज पार्टी जो है इस प्रदेश में और इस क्षेत्र में विकास कर सकती है, तो ये क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद और विश्वास ही है। क्या मुद्दों को लेकर मुद्दे क्या रहेंगे और क्या आप करके दिखाएंगे जीतने के बाद जनता के लिए? क्षेत्र में सीवेज की समस्या है, सीवेज की समस्या है, पानी बिजली की भी जो है उसको हम अच्छा करेंगे, दुरुस्त करेंगे और जो भ्रष्टाचार वगैरह फैला हुआ है विभागों में तो उसको हम ठीक करेंगे और जो बेरोजगार है, हमारे युवा जो है बहुत बेरोजगार है, हमारी कोशिश रहेगी कि वो युवाओं को रोजगार मिले और वो अच्छे दिशा में आगे बढ़ाए, इस ओर हम ज़्यादा ध्यान देंगे।